हेलो फ्रेंड्स फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जैसा आपने देखा कि हमने पिछले कई सारे लेक्चर्स में डेटा हैंडलिंग की बात करी है तो आज हम इस डेटा हैंडलिंग के ब्रॉड टॉपिक का अंतिम लेक्चर लेंगे अंतिम लेक्चर लेने का मतलब ये नहीं है कि कोर्स का ये अंतिम लेक्चर है लेकिन इस ब्रॉड टॉपिक का ये अंतिम लेक्चर है और जिस प्रकार से आपने देखा कि हमने बहुत सारे कमांड्स को इस्तेमाल किया है और हमने अपनी फाइल क्रिएट करी है फाइल्स के अंदर जो अपने कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया है और साथ में उनका एक हमारा आउटकम भी आता था अब तक जो आपने आउटकम को देखने का कार्य किया है उसके लिए आपने उस आउटकम को स्क्रीन पर देखने की कोशिश करी है या तो आपने उस वेरिएबल uh, का नाम लिख करके स्क्रीन पर टाइप कर दिया या आपने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया तो आपको जो भी उस प्रोग्राम uh, का आउटकम है स्क्रीन पर दिखाई देने लगा था लेकिन अब हमारी एक इच्छा और है कि हम इस आउटपुट को किसी फाइल में सेव करना चाहते हैं तो अभी तक हमने अब अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनको भी एग्जीक्यूट कर लिया अब हमारे पास आउटकम भी आ गया है अब आउटकम को स्क्रीन पर किस प्रकार से देखते हैं उसको भी मैंने सीख लिया है अब इसी आउटकम को एक किसी फाइल के अंदर किस प्रकार से लिया जाए यह कार्य आज हम करने वाले हैं और इस कार्य को किस प्रकार से किया जाए ये आज हम सीखने की कोशिश करेंगे अब जब भी आप अपने इस आर सॉफ्टवेयर में कार्य करते हैं तो कोई भी जो आउटकम आ रहा है वो आपका जब आप उसको फाइल में सेव करेंगे तो किसी न किसी फ़ोल्डर में सेव होगा तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप अपनी एक वर्किंग डायरेक्टरी को पहले फ़िक्स कर लीजिए कि आप उसमें कार्य करेंगे सो so दैट कि आपका जो भी आउटपुट भी आएगा वो उसी फ़ाइल में आएगा और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो भी आर की डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी होती है वो फाइल उसी के अंदर सेव हो जाएगी और इस फाइल के हमारे पास अलग अलग रूप होते हैं हम यहाँ पे कुछ जो हमारे पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आ, कुछ उदाहरण लेंगे जिसके द्वारा हम देखेंगे कि हमारे फाइल्स को सेव करने के जो भिन्न भिन्न ऑप्शन होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं और ये बात आपको हरदम ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप कभी अपना आउटपुट ले रहे हैं तो ये आउटपुट आपके लिए तो आउटपुट है लेकिन ये इसके आगे आने वाले किसी प्रोग्राम की फाइल के लिए ये इनपुट भी हो सकता है तो उस अगली फाइल में जो आपको इनपुट चाहिए वो अगर आप आज के इस प्रोग्राम में उसको उसी फॉर्मेट में सेव कर देंगे तो शायद ये कार्य आपका आसान हो जाएगा तो ये बहुत सारे हमारे ऐसे कंसिडरेशन्स होते हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं तो चलिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं और इस लेक्चर को आरंभ करते हैं ओके okay, अब सवाल ये आता है कि जब आप अपना कोई भी प्रोग्राम अगर लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें से उसके आउटकम को सेव करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं एक तो ये है कि हम उसको जो अपनी स्क्रीन पर ही देख लेते हैं और कुछ लोग वहाँ से स्क्रीन ले लेते हैं वहाँ से कॉपी करके उसको किसी फाइल में सेव कर लेते हैं और दूसरा तरीका हमारा होता है कि हम उसको डायरेक्टली जो भी हमारा आउटकम हो रहा है उसको हम अपनी फाइल के अंदर भेज दें और वो आउटकम हमारा डायरेक्टली कोई फाइल के अंदर सेव हो जाए राइट तो यह कार्य करने के लिए हमारे पास आर सॉफ्टवेयर में कई सारे ऑप्शंस होते हैं लेकिन इस लेक्चर में आज हम अपने राइट फंक्शन की बात करने जा रहे हैं तो जिस प्रकार से डब्ल्यू आर आई टी ई जो हमारा फंक्शन होता है इसका मतलब ही होता है लिखना राइट right. और यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि जब हम कहते हैं राइट right, हम हिंदी में बोलते हैं तो इसमें इसका मतलब होता है डब्ल्यू आर आई टी और लेकिन आर आई जी एस टी भी हो सकता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं किस राइट right की बात कर रहा हूँ राइट right. से मैंने कहा तो ये वाला हमारा ये वाला राइट था लेकिन पहले वाला हमारा राइट ये था और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि ये कन्फ्यूजन ना हो तो ये जो फंक्शन होता है राइट डब्ल्यू आर आई टी ई ये फंक्शन हमारे आ, उस आ, आउटकम के डेटा को या कोई भी डेटा अगर है उसको एक फाइल के अंदर लिख देता है जिसका हम कहते हैं उदाहरण के लिए उस फाइल का नाम है फाइल और जो उसमें से हमारा डेटा होता है वो हमारा एक आ, से वेरिएबल एक्स के अंदर स्टोर होता है यूजुअली एक वो एक मैट्रिक्स की तरह का फॉर्मेट होता है तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार का आउटकम चाहिए और उस प्रकार के आउटकम को देखने के लिए आपको अपने इस कमांड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और ये भी देखना पड़ता है कि आर किस प्रकार से उस आउटकम को सेव कर रहा है और जिस प्रकार से हमको आउटकम चाहिए अगर उसमें कुछ समानता नहीं होती है तो मुझे आउटकम को भी चेंज करना पड़ता है जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि अगर हमारा कोई एक एक टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है और हमको जो अपना आउटकम चाहिए उसके अंदर चाहिए कि उसके रोज़ हमारे कॉलम्स हो जाएँ और कॉलम्स रोज़ हो जाएँ तो हमको क्या करना पड़ेगा उस जो भी हमारा आउटकम आ रहा है उसका मुझको ट्रांसपोज ले करना पड़ेगा और उसके बाद हम जब फाइल को सेव करेंगे तो उसमें से रोज़ हमारे कॉलम के फॉर्मेट में सेव हो जाएंगे तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको स्वयं ही ध्यान में रखना पड़ेगा और अब हम देखिए आपको इस डब्ल्यू आर आई टी ई राइट कमांड के बारे में बताते हैं तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आप सबसे पहले लिखिए डब्ल्यू आर आई टी ई लोअर केस अल्फाबेट्स में उसके बाद फिर आप अपने पैरेंथेसिस के अंदर आप लिख दीजिए जिस आउटपुट को आपको देना हो ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है आर का डेटा ऑब्जेक्ट हो सकता है इत्यादि उसके बाद में आप लिखिए फाइल एफ आई एल ई और इक्वल टू करके जिस फाइल के अंदर आप इस एक्स को सेव करना चाहते हैं ये आप यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिख दीजिए राइट और उसके बाद में आपका जो आउटकम आ रहा है एक्स का आप उसको कितने सारे कॉलम्स में अरेंज करना चाहते हैं उसका नंबर आप यहाँ पे इन कॉलम्स के अंदर दे सकते हैं जैसे कि अगर आपको चाहिए कि आपने अपना आउटकम को पांच कॉलम देना चाहते हैं दस कॉलम में देना में अरेंज करना चाहते हैं तो वह संख्या यहाँ पर आपको कहना पड़ेगा उसके बाद में होता है हमारा एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है अपेंड इज़ इक्वल टू ट्रू और फॉल्स अपेंड का क्या मतलब होता है अपन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया कोई हमारा एक आउटकम आ गया अब उसके बाद में मैंने इस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट किया तो उसका भी हमारा एक आउटकम आएगा तो अगर हम ये चाहते हैं कि यह आउटकम अगर हम कह दें पहला वाला था नंबर वन और दूसरा वाला है नंबर दो तो ये नंबर दो पे जो हमारा आउटकम आया है वह नंबर एक के नीचे आ जाए और उसमें अपेंड हो जाए राइट right? तो पहला ऑप्शन तो वहाँ पे हम दे देंगे अपन इज इक्वल टू ट्रू राइट right. और अगर हम चाहते हैं कि एक नंबर का हमारा ये आ, जो आउटकम आया और फिर से जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो हमारा दो नंबर का प्रोग्राम आया दो नंबर का जो आउटपुट आया उस दो नंबर के आउटपुट को हम इसी के ऊपर ही ओवर कर देते हैं अब हम जब कह देंगे फॉल्स तो ये हमारा जो भी आउटकम है ये ओवर हो जाएगा अर्थात उसी के ऊपर लिख जाएगा और फिर से आप अपने पहले वाले आउटकम को आ, देख नहीं पाएंगे राइट right. उसके बाद में आपके पास ऑप्शन होता है सेप स्टेप का मतलब होता है सेपरेटर तो सेपरेटर क्या होता है कि अगर आपको अपने आउटकम में जो वैल्यूज को किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में देना है अर्थात दो नंबरों के बीच में उनके बीच में कितनी जगह होनी चाहिए किस प्रकार की स्पेसिंग होनी चाहिए इत्यादि अगर इसके बारे में अगर बात करनी है तो आप यहाँ पर डबल कोच के अंदर अपना वो जो भी आ, जिस वैल्यू के द्वारा आप उनको सेपरेट करना चाहते हैं आप उसको दे दीजिए या आपका कॉमा भी हो सकता है या आपकी ब्लैंक स्पेस भी हो सकती है एंड सो ऑन राइट right, तो देखिए यही बात मैंने आपको यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है कि एन कॉलम्स में नंबर ऑफ कॉलम्स को हम कंट्रोल करते हैं अपन के द्वारा हम डेटा को अपन करना है कि नहीं ट्रू और फॉल्स के द्वारा कंट्रोल करते हैं और सब के द्वारा हम इसका जो सेपरेटर उसको कॉलम की हमारे जो डिफरेंट कॉलम्स हैं उसको किस प्रकार से सेपरेट किया जाए उसको हम कंट्रोल करते हैं अगर हम यहाँ इज इक्वल टू बैक स्लैश की भी करेंगे तो ये हमारा जो टैब डी लिमिटेड आउटपुट हो देगा अर्थात हर एक वैल्यू के बाद जो वैल्यू आएगी वो टैप के द्वारा कंट्रोल करी जाएगी राइट तो चलिए हम आपको एक यहाँ पे छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कि ये जो डब्ल्यू आर आई टी ई फंक्शन किस प्रकार से कार्य करता है तो जैसा कि मैंने देखिए डेटा वेक्टर ले लिया एक से लेकर के खा तक की वैल्यू उसका तो ये देखिए आपका हो गया एक्स अब इसके बाद में मैंने अपना फंक्शन यूज़ किया डब्ल्यू आर आई टी ई और फिर हमने यहाँ पे लिखा हमने ये अपना लिखा x फ़ाइल के अंदर सेव करना चाहते हैं अब उसके बाद हम अब यहाँ पे लिखते हैं फाइल इज़ इक्वल टू शाला अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम इस एस एच एल ए बी एच नाम की फ़ाइल में इस आउटकम को सेव करना चाहते हैं राइट तो हम इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हम अपने डिफरेंट ऑप्शंस को किस प्रकार से यूज़ करते हैं तो आपको इस कार्य को आर कंसोल में करने के पहले हम आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट के द्वारा समझा देते हैं कि किस प्रकार से कार्य होगा तो सबसे पहला कार्य तो यही होगा कि आपको अपनी जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसको चेंज करना होगा और उसके बाद में हम अपनी जो एक्स की वैल्यू को यहाँ पे जनरेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी देखिए एक से हंड्रेड तक के नंबर्स आ जाएंगे और फिर हमने यहाँ पे लिखा राइट right, एक्स और फाइल इज़ इक्वल टू शलब और विद इन डबल कोर्स में तो इसके बाद जब आप देखेंगे कि आपके फोल्डर में देखिए इस ये शलभ नाम की फ़ाइल आ जाएगी और इसके अंदर देखिए ये हंड्रेड तक की वैल्यूज़ स्टोर हो जाएंगी राइट right, तो चलिए ये कार्य करके हम आपको आर कंसोल में दिखाते हैं सो so दैट कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किस प्रकार से कार्य करेंगे तो सबसे पहला तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अपने जो अपनी वर्किंग डायरेक्टरी है ये मैंने सी कोलन पर आर कोर्स में सेट कर दी है तो यहाँ पे क्या है आर कोर्स हमारा देखिए कि ये फोल्डर है सी कोलन पर और आप यहाँ पर देखिए कोई फाइल नहीं ये पूरा पूरा खाली है यहाँ पर लिखा हुआ है दिस फोल्डर इज़ एम टी अर्थात ये फोल्डर खाली है अब हम यहाँ पे करेंगे कि हम अपना जो भी आउटकम को सेव करेंगे इसी फोल्डर में तो जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे आ, अपना डब्ल्यू आर आई टी कमांड राइट कमान उसके बाद में यहाँ पर आउटकम आ जाएगा तो देखिए आपने यहाँ पे ले लिया जैसे मैंने वैल्यू ले ली x इज टू वन टू हंड्रेड तो देखिए एक्स प्रकार से आ गया अब हमने यहाँ पे क्या किया मैंने कहा राइट right और यहाँ पे किया x और यहाँ पे मैंने कह दिया फ़ाइल इज इक्वल टू इन और देखिए यहाँ पर मैंने इसको एंटर कर दिया तो अब अगर आप अगर देखेंगे यहाँ पर अपने आर कोर्स के अंदर तो देखिए ये शैलभ नाम की फ़ाइल आ गई और इसको आप अगर खोलने की कोशिश करिए तो देखिए ये आपके वन से लेकर के हंड्रेड तक के देखिए यहाँ पर जो आपने नंबर्स लिखे हैं वो उसमें आ गए इसके बाद में चलिए हम इसी में आपको कुछ और भी हम आउटकम आपको करके दिखाते हैं कि अब हम इसमें से एक काम करते हैं एक हम एक और अपना जो भी वैल्यू है हम उसको जनरेट करते हैं से वाई इज़ इक्वल टू सी एक सौ एक से लेकर के दो सौ तक की वैल्यू को राइट और उसमें से हम क्या करते हैं कि अब ये हमारी जो वाई की जो वैल्यूज़ हैं ये देखिए ये इस प्रकार से आ गई 101 से लेकर के 200 तक की वैल्यूज़ आ गई अब हम इसी आउटकम को अपनी इसी शलब नाम की फ़ाइल में इस एक्स के आउटकम के आगे लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कर देंगे अपन इज एकवल टू ट्रू और यहाँ पे हम कर देंगे जो हमारा आउटकम है जिसको अब हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो राइट वाई और फाइल आपका क्या है शलब सेम फाइल ही है तो देखिए अब यहाँ पे अगर देखते हैं कि यहाँ पे आपकी जो फाइल में क्या सब वैल्यूज़ आ गई तो आप अगर देखेंगे तो देखिए एक से हंड्रेड तक की तो वैल्यूज़ पहले थी आपकी अब आप देखिए अगर एक सौ एक से लेकर के ये जो दो सौ तक की वैल्यूज़ हैं जो आपने वाई की जनरेट करी हैं ये आपके इस सेकेंड कमांड के द्वारा यहाँ पर आ गई राइट अब हम एक काम करते हैं चलिए आपको हम ये फिर से करके दिखाते हैं कि हमने जो भी यहाँ पर एक्स की ये जो वैल्यूज़ ली हैं ये क्या है एक से हंड्रेड तक की वैल्यूज़ है राइट अब हम इसको ज़रा सा अरेंज करते हैं अपने इस नंबर ऑफ कॉलम्स को हम इसको देते हैं कि और हम चलिए यहाँ पे फ़ाइल का नेम बदल देते हैं हम करते हैं शलवान राइट right? और इसमें से हम कर देते हैं एन कॉलम्स इज इक्वल टू हेयर सपोज ये टेन राइट को देखिए क्या होता है अब अगर आप अगर देखेंगे तो देखिए आर कोर्स के अंदर ये देखिए एक और ये फाइल आ गई शलबान और जब इसको आप खोलेंगे तो देखिए इसमें से आपके कितने कॉलम्स आ गए टेन कॉलम्स आ गए और इसमें से देखिए हंड्रेड तक तक की वैल्यू आपकी इस प्रकार से यहाँ पर स्टोर हो गई राइट ये तो इसी प्रकार से आप आ, अपनी बाकी वैल्यूज़ को भी कर सकते हैं जैसे कि अगर हम अगर इसी के अंदर अब हम अगर कहते हैं मान लीजिए हम जो हमारा वाई का आउटकम था 101 से लेकर के 200 तक की जो वैल्यूज़ थी उसको हम यहाँ पर अभी इसी फाइल में लिखने की कोशिश करते हैं हम वाई को लिखते हैं लेकिन वाई के लिए हम ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे इसमें पंद्रह हो जाने रही है तो आप ये देखेंगे कि हम जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए हमारी इस फाइल में शैलाभ वन में क्या अंतर आएगा राइट आपने इसको एग्जीक्यूट किया और जब शैला वन की फ़ाइल आपने खोली आपने खोली आपने यहाँ पर तो आप ज़रा सा ध्यान दीजिए कि इसमें से क्या आ रहा है पहली बात तो इसने आपको जो पहले वाला आउटकम था उसको हटा दिया क्यों क्योंकि आपने यहाँ पे अपन इक्ल टू ट्रूथ तो लिखा ही नहीं इसलिए देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पर इसमें से अपन लिखना चाहिए था लेकिन अब अगर आप अगर ध्यान देने की कोशिश करें इसने आपको देखिए ये एक सौ एक से पंद्रह तक की वैल्यूज़ यहाँ पर दे दी हैं और आपको आप ये देखेंगे कि ये आपका एक रो है यह आपकी सेकंड रो है या आपकी थर्ड रो है इत्यादि राइट right. अब इसी के आगे अब अगर हम मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हम इसमें से एक्स को यहाँ पर हम इंटर करना चाहते हैं एक्स और अब हम करना चाहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को हम बदलना चाहते हैं सपोज़ करना चाहते हैं दस अब देखिए इसमें क्या क्या होता है देखिए आपने इसको एग्जीक्यूट किया और जब शलभ वन में आएंगे तो अब आपने यहाँ पे देखिए क्या किया ये देखिए आपकी यहाँ पे सौ तक की वैल्यूज़ आ गई जहाँ पे आपको बहुत ही साफ साफ तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि पहले की वाई की वैल्यू हट गई हैं और आपके एक एक कॉलम में दस दस वैल्यूज़ हैं राइट ये मैंने एक जान के किया है जैसे कि, कि मैं आपको दिखा सकूँ कि दोनों में क्या अंतर आने वाला है और अब हम इसमें से फिर से अपने इस वाई को एग्जीक्यूट करते हैं और इसमें साथ में हम ऐड करते हैं अपंट इज़ इक्वल टू ट्रू तो अब देखिए क्या होगा जैसे ही आपने अपेन्डिकल टू टू किया जो आपकी शैला वन की फ़ाइल थी जब आप इसको खोलोगे तो देखिए इस प्रकार से दिखाई दे रही है पहले के जो x की वैल्यूज़ थी उसमें खाली 10 10 वैल्यूज़ थी 100 तक की लेकिन एक से लेकर के 200 तक की जो वैल्यूज़ आई हैं उसमें हर एक रूम में पंद्रह पंद्रह वैल्यूज़ हैं आप ये देख सकते हैं इस प्रकार से अब हम ज़रा सा आपको एक कार और करके हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जैसे कि आपने यहाँ पर लिया आपने x और इसको अगर मान लीजिए आपने एक फ़ाइल में अगर सेव कर दिया है जैसे कि मैंने कह दिया मान लीजिए शलब राइट तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ये जो शलभ नाम की फ़ाइल है इसके अंदर देखिए आपकी एक से हंड्रेड तक की वैल्यूज़ जा आ जाएंगी राइट अब इसी के अंदर हम ज़रा सा कुछ अपने अल्फ़ाबेट्स को लेते हैं और हम कहते हैं वाई हमारा क्या है एल ई डबल टी ई आर एस लेटर्स वन से लेकर के ट्वेंटी तक तो देखिए क्या हुआ ये आपका ये हो गया वाई अब आपने क्या कि इसी वाई को आपने अपनी इस शलब वाली फ़ाइल में अपेंड करने की कोशिश करी तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपने कर दिया अपेंड इज इक्वल टू ट्रू तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो एक्स की वैल्यू थी वन से हंड्रेड तक ही ये भी रहेंगी और उसके बाद में वाई की वैल्यूज़ उसके आगे आ जानी चाहिए तो अब आप देखिए अगर आप देखेंगे तो देखिए इसका आउटकम किस प्रकार से आया ये हुआ वन से हंड्रेड तक की एक्स की वैल्यू आई और उसके बाद देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच करके की तक की अल्फ़ाबेट्स आ गए राइट तो अब इसके बाद में अब अगर आप अगर यहाँ पर एक का मैट्रिक्स भी लेते हैं सपोज़ आपने कहा जैड एक मैट्रिक्स हमारी है जिसमें से एन रो हमारी हैं तीन एन कॉल हमारे हैं तीन ये थ्री बाई थ्री के मैट्रिक्स और डेटा आपका क्या है मान लीजिए वन से लेके नाइन तक की जो वैल्यूज़ होती हैं अर्थात एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और जब आपने इस मैट्रिक्स को देखा तो ये देखिए मैट्रिक्स इस प्रकार की आ गई राइट अब आपने इसी मैट्रिक्स को आपने इसी जो शलफ़ की फाइल है इसके अंदर अपेंड कर दिया और फिर से आपने इसको सेव कर दिया जब एग्जीक्यूट किया तो अब हम जरा सा अपनी जो हमारी शलफ की फाइल आई है नई उसको देख किस प्रकार से आई तो ये देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो हंड्रेड वैल्यूज़ थी एक्स की ये आ गई उसके बाद में अल्फ़ाबेट्स की ये देखिए वैल्यू आ गई और उसके बाद में ये देखिए जो जेड मैट्रिक्स की वैल्यूज़ इस प्रकार से आ गई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो देखिए ये आपको यहाँ पर आपको इसको समझाना पड़ेगा आर को एक प्रॉपर कमांड देना होगा कि आप इन वैल्यूज़ को किस प्रकार से सेव से करना चाहते हैं क्योंकि तो आर अपनी भाषा के हिसाब से सेव कर आपको इसके अंदर कुछ अगर परिवर्तन चाहिए कि आप उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स को कंट्रोल करना चाहते हैं नंबर ऑफ़ रोज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वह आपको अपने हिसाब से देना पड़ेगा ओके okay, अब इसके बाद हम अपनी एक और ऑप्शन की बात करते हैं जहाँ पे हम अपने आउटकम डेटा को डबलर या सी फाइल में सेव करना चाहते हैं तो इस प्रकार के कार्य को किस प्रकार से किया जाए अब देखिए मैंने आपको ये पहला वाला कमांड डब्ल्यू आर आई टी लेकर के मैंने आपको उदाहरणों के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करी है अब उसी तरह के जो हमारे ऑप्शन होते हैं बाकी भी जो हमारे कमांड्स हैं उसके अंदर कार्य करेंगे तो अब उन्हीं को फिर से ले करके दिखाने का कोई मतलब नहीं होता है तो इसलिए हम आपको यहाँ पे इनका जो कमांड है उसको हम बताएँगे और उसके बारे में जो उसके ऑप्शंस हैं उसको भी आप जिस प्रकार से आपने राइट right कमांड का यूज़ किया है उसी तरह से आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आप उस आउटकम को कंट्रोल कर सकते हैं तो अब हमारा काम यहाँ पे सिर्फ इतना सा रह गया है कि हम आपको ये टेबुलर और सी डेटा फाइल्स को सेव करने के क्या क्या कमांड होते हैं और उनके क्या क्या ऑप्शनस होते हैं, उसके बारे संक्षेप में, में बता दें तो देखिए जो आपकी सी फाइल होती है उसको मतलब कि आप अपने आउटकम को अगर सी फाइल के फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो हमारा फंक्शन होता है राइट डॉट सी एस वी डब्ल्यू आर आई टी ई डॉट सी एस वी और ये जो फंक्शन होता है ये हमारा टेबलर डेटा को एकास्की फाइल में सी फॉर्मेट में सेव कर देता है और यहाँ पर जो एक डेटा की हर एक रो होती है जो उस फाइल में जो जो भी हमारी रो बनेगी वो आ, हमारी हर एक रो डेटा की कि सारी सारी वैल्यूज़ को एक एक लाइन में दिखाने की कोशिश करेगी और सारी सारी वैल्यूज़ हमारी कॉमा के द्वारा कपरेटेड होंगी अलग होंगी तो इस फंक्शन को भी यूज़ करने के लिए हमारा कमांड को यूज़ करने का तरीका यही होता है सबसे पहले हम लिखेंगे राइट डॉट सी एस वी डब्ल्यू आर आई टी ई डॉट सी एस वी और उसके अलावा उसके बाद हम पैरेंथेसिस में जिस वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं उसको लिख देंगे एक्स उसके बाद फ़ाइल लिख करके फाइल का नाम डबल कोट्स में दे, दे देंगे और उसके बाद में अपेंड को हम ट्रू या फॉल्स इस्तेमाल कर लेंगे तो किस प्रकार से हमने पहले कार्य किया था बिल्कुल उसी प्रकार से ये कार्य करेगा और इसके आगे आपके पास व्हाट्सप का ऑप्शन भी होगा और उसमें आप देखेंगे इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं राइट और उसी प्रकार से अगर आप अपने इस डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में अगर सेव करना चाहते हैं तो आपका कमांड होगा राइट डॉट टेबल डब्ल्यू आर आई टी ई डॉट टी एल ई और ये जो होगा ये आपका जो भी एक्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी उसको ये डब्ल फाइल के फॉर्मेट में सेव कर देगा तो देखिए इसका हमारा फंक्शन होगा राइट डॉट टेबल डब्ल्यू आर आई टी ई डॉट टी एल ई और पहले में हम अपना जो भी एक्स वैल्यू है जिसको हम सेव करना चाहते हैं उसको लिख देंगे फिर हमारा फाइल आ जाएगा फाइल को हम डबल कोर्स के अंदर इसका नाम लिख देंगे उसके बाद में ऑप्शन हमारा होगा अपेंड उसके बाद में हमारा ट्रू और फॉल्स होगा तो ट्रू होगा तो वैल्यूज़ अपेंड हो जाएंगी फॉल्स में वैल्यू ओवर राइट हो जाएंगी जिस प्रकार से मैंने आपको राइट फंक्शन में दिखाया था करके और उसके बाद में देखिए इसमें बहुत सारे ऑपरेशनस होते हैं ऑप्शनस होते हैं सेप ई ओ इत्यादि तो मैं आपको यहाँ पे कुछ तो मैं बहुत ही संक्षेप में बता देता हूँ लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जरा से हेल्प मेन्यू में जा करके इनको पढ़ने की कोशिश करिए और आपको इनको जिस प्रकार से इस्तेमाल करना है आप उनको समझ करके इस्तेमाल करने की कोशिश करिए जैसे मैंने एक्स की बात करी एक्स तो आपका वही ऑब्जेक्ट है जिसको आप सेव करना चाहते हैं फ़ाइल में आप अपनी फ़ाइल का नाम डबल कोर्स में देंगे जिसके अंदर आप सेव करना चाहते हैं अपेंड में आपका ट्रू और फॉल्स होगा किसके द्वारा फाइल या तो अपेंड होगी या ओवर हो जाएगी उसी प्रकार से आपका देखिए कोट होता है स्टेप होता है सब के बारे में भी पता है आपको कि ये सपरेटर होता है कि आपको अपनी वैल्यूज को किस प्रकार से सपरेट करना है उसी प्रकार से आपको अगर कोई ये करेक्टर अपनी हर एक लाइन के अंत में अगर प्रिंट करना है तो उसको हम ईओ के ऑप्शन से देंगे अगला ऑप्शन हमारा होता है एन ए एन ए से मतलब आपको पता है कि मिसिंग वैल्यू को किस प्रकार से हैंडल किया जाए उसके बारे में फॉर्मेशन देगा तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर मेनू में आप अगर जाएंगे तो आपको देखिए और भी चीज़ें हैं रो नेम कॉलम नेम्स क्यू मैथिक्स इत्यादि इत्यादि इनके बारे में मालूम पड़ जाएगा और जब हमको इसके बारे में मालूम पड़ जाएगा तो उसके बाद हम अपने आउटपुट को बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेंगे और जिस प्रकार का हम आउटपुट अपने प्रोग्राम के द्वारा जनरेट हो रहा है उसको हम सेव करना चाहते हैं इन ऑप्शन की सहायता से हम उनको बहुत ही आसानी से सेव कर सकते हैं तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकेंगे और इसके साथ ही हम अपने इस डेटा हैंडलिंग का भी जो हमारा ब्रॉड टॉपिक था उसके अंदर हम यहाँ पे आज रुकेंगे अब आप अगर देखेंगे तो हमारे इस जो आउटपुट को सेव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं लेकिन मैंने आपको कुछ यहाँ पर जो हमारे कॉमन ऑप्शन होते हैं उसके बारे में बात करी है अब ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं और आप किस एरिया में कार्य कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपकी आवश्यकता आप है आप उसको एक बार ढूंढने की कोशिश करिए कि अगर आप अपने डेटा को किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो उसका कमांड क्या होगा उसका फंक्शन क्या होगा फंक्शन और कमांड तो इसी प्रकार का होगा और उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी इसी प्रकार का होगा हो सकता है कि कुछ थोड़े बहुत उसमें अंतर हो तो उसको आप हेल्प मेन्यू के द्वारा समझने की कोशिश करिए और उसके साथ ही जब भी आप अपने इस डेटा को किसी फाइल में सेव करने के ऑप्शन का फैसला करते हैं उस वक्त आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आपके प्रोग्राम का आउटपुट है वह किसी आगे वाले आने वाले प्रोग्राम का इनपुट हो सकता है तो कोशिश करिए कि अपने प्रोग्राम का आउटपुट आप इस फॉर्मेट में सेव करिए जो अगले प्रोग्राम के लिए इनपुट की तरह डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाए जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि आपका कोई ये प्रोग्राम है जहाँ पे आपको इनपुट मैट्रिक्स फॉर्मेट में चाहिए या डेटा फ्रेम फॉर्मेट में चाहिए तो आप अपने इस आउटपुट को आप अगर मैट्रिक्स uh, या डेटा फॉर्मेट में सेव करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो uh, अगले प्रोग्राम में सहायता करेगा उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अब ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि अगर आप किसी प्रकार का आउटपुट अगर फ़ाइल में लिखना चाहते हैं तो आप इसमें से जो मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के ऑप्शन आपको दिए हैं कुछ तो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिए हैं लेकिन कार्य तो नहीं दिखाए हैं तो आप उनको ज़रा एक बार एक एक करके ऑप्शन को लीजिए और उसके लिए छोटी सी फाइल बनाइए और जैसे मैं आपको समझाने के लिए बहुत छोटा सा डेटा तैयार करता हूँ और उसके अंदर कार करने की कोशिश करता हूँ सो दैट कि आपको आँख से दिखाई पड़ता है कि उसके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है तो आप भी इसी प्रकार से एक छोटे सा फ़ाइल लीजिए उसके अंदर आप इन ऑप्शन को एक एक करके एग्जीक्यूट करिए और देखिए कि आर उसके आउटपुट में किस प्रकार का परिवर्तन कर रहा है तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर पर मिलने फिर से आएंगे नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए गुड बाय